इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं और दिखाने वाले हैं फ्रिज का फ्रीजर क्यों ख़राब होता है और इसको कैसे ठीक करें। हाय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से होंगे। हाँ, फिर से आया हूँ मैं आज भैया के पास। एक फ्रीजर है वो मार्केट में मिल नहीं रहा है, और जो है एक मैकेनिक ने मतलब कि इनको दे गए भैया को कि ठीक करना है, कहीं मिल नहीं रहा है। तो बहुत मजबूरी है और बहुत सारा मतलब जितने में हमारा नया फ्रीजर आ जाता है उतने का मतलब कि ये हमें सही करने में उतना कॉस्ट बढ़ जाता है ना भैया? तो आप बताएंगे क्या मजबूरी है इनको सही करने का? और ये यहाँ पे कोने से कटा होता है, इसका मतलब इसका यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा पार्ट आ रहा होगा जिसकी वजह से इस प्लेट को कटिंग करना पड़ा होगा कंपनी को जी। और इस साइड भी से इसलिए फ्रिज मार्केट में नहीं मिल रहा है। नॉर्मल फ्रीजर नहीं है, नॉर्मल फ्रीजर थोड़ा हट गया है जी, फ्रीजर मिला नहीं है। हाँ जी, ये देखो भैया पता नहीं क्या कर रहे हैं, एक बार देखते हैं। ये फ्रिज का फ्रीजर है और इसमें जो है यहाँ पर जो पाइप है ये लीकेज हो गया था। ये देख रहे हैं ज्वाइंट जो होता है कॉपर और एल्युमिनियम का ज्वाइंट हो गया था, तो भैया इसमें ना ज्वाइंट लगा रहे हैं। ये ज्वाइंट लगाएंगे। अब सबसे जो चीज़ है हम ये समझे भैया, ये क्या चीज़ है? ये दोनों पाइप एक साथ है यहाँ पे, और भैया इसको फैला रहे हैं पाइप को। ये होता है कैपिलरी। पैसे के बेटे 250 रुपए का है। फिर रामवीर के पास कैपिलरी होता है और ये सक्शन होता है। कैपिलरी से गैस जाती है जी और सक्शन से खींचती है। तो ये सेक्शन पाइप के अंदर ही कैपिलरी को डाल रखा है। ये एक ही पाइप गया हुआ है, आप फ्रीजर में देखेंगे यहाँ पंच मारा हुआ है। अच्छा, नट नुट तो इसमें नहीं है ना ये वो। तो हाँ। ये जो है इसमें ये सक्शन की लाइन आ रही है, ये जो कैपिलरी आई है यहाँ पे पंच किया गया है जी जी। ये पंचिंग पाइप यहाँ तक होगी, इसके बाद जो है ये डिस्चार्ज का लाइन समझ लो हो गया अपना जी। और ये कैपिलरी जो सक्शन की लाइन है वो यहाँ से काम करेगा। अच्छा अच्छा, तो इसमें मतलब गैस यहाँ से जाएगी बैक वापस नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पंच मार रखा है। एग्जैक्ट कैपिलरी का साइज का ही पंच है जो ये लाइन लाइन दिख रहा है, ये पूरा पंच मार रखा है। पंच मारने का मतलब कहने का मतलब ये अंदर से एक तरह से फिक्स हो गया बिल्कुल, माइनर भी इसमें प्रेशर बैक नहीं आएगा, मतलब जरा सा भी इसमें गैप नहीं है अंदर। ये पूरा अपना सक्शन का काम करेगा और ये जो जा रही है ये डिस्चार्ज। ठीक है, तो भाई ये हो गया जो फ्रीजर है इसके अंदर का जो सिस्टम है, ये शायद पहली बार आप लोग को जानकारी मिल रहा होगा। तो आप लोग देखिए, और 316 का पाइप लिया और इसमें 316 का पाइप लगेगा और इसको ज्वाइन करेंगे भैया, हम वो देखेंगे। ठीक है, देखिए 516 का इसमें भैया पाइप लगा रहे हैं। सॉरी, ये जो है पाइप 316 का है और एक कपलरी में डाले और जो एल्युमिनियम का पाइप है उसके अंदर गया। ये देखिए, अब इसको टांका लगाएंगे भैया, वो भी दिखाएंगे आपको।
को पता खाली बन दीजिए, इसको पता इसको पता तो नीचे पेंट भी पूरा नहीं देखे ये इधर आ गया, उधर पकड़ो मैं क्या बोल। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से है ना, इसका लीकेज चेक कर रहे हैं और ये भी चेक हो जाएगा जो हमारा टाका लगा हुआ है। ये यहाँ पे ब्लॉक तो नहीं है, तो ये देखिए सेक्शन का जो लाइन होता है वो यहाँ से गैस निकल रहे हैं, ये देखिए निकल रहा है और यहाँ पे भी लीकेज चेक हो गया, लीकेज नहीं है। यहाँ पे हमने पिन वाल लगा रखे हैं और वहाँ पे जाना जा रहा है कैपिलरी कितना प्रेशर अभी निकाल दिया, लमसम 90 प्रेशर डाले थे इसमें और ठीक है। आज चलेगा मेरे को, अरे एक बार तो रुकना ही पड़ेगा, लाल पहले इसको बंद कर दूंगा, नहीं हल्का बत्ती लेकर करना पूरा यहाँ कट है ना, कट से ले भी गिराते आओ, बत्ती हटाते रहो, तीन खोला ले अपने आप चला जाएगा टपक के, तो 10 रुपये राइट में लगा, ऊपर मारो यहाँ पे और ना कैपिलरी का साइड दोनों भर दो, तो ये देखिए जो है टांका जो एल्युमिनियम में लगाए थे और जो कॉपर में लगाया था, ये दोनों फर्स्ट क्लास है। अब इसको क्या करेंगे, जो इसके अंदर जो प्रेशर है
ये देखो फर्स्ट क्लास टाँका लगा हुआ है और कोई दिक्कत नहीं है। ऑलरेडी इसमें जो है अब प्रेशर डालेंगे और लीकेज इसका चेक करेंगे। ओके तो फाइनली भैया ने इसमें टाँका लगा दिए हुए हैं और आपको दिखाता हूँ। पहला जो टाँका है यहाँ लगा, दूसरा यहाँ लगा और जो है तीसरा यहाँ लगा और इसमें है प्रेशर। ये देखिए इसमें जो है प्रेशर लमसम इसमें 75-80 प्रेशर जो है डला हुआ है और अब इसका लीकेज चेक करेंगे। ओके है, पूरा पानी में डूबा हुआ है। ये देखो पानी में भैया ने डुबो दिए हैं और कहीं से भी जो है बबल नहीं आ रही है। इधर मग दे इधर, ये देखिए बबल नहीं आ रही है ना। तो कई बार सक्सेस हो जाता है, ये देखिए भैया ने लगाया और सक्सेस हो गया, कहीं से बबल नहीं आ रही है। कॉपर और एल्युमिनियम का जॉइंट है। तो कहने का मतलब ये नहीं कि मैं हर बार ये सक्सेस होता है, कोई गारंटी नहीं होता, ठीक है, लेकिन भैया करते हैं तो 100% शायद सक्सेस हो ही जाता है ना भैया। ये देखिए 80 प्रेशर डला हुआ है, ये देखिए 75 और 5 80। अब एक बार अब चेक करेंगे, ब्लॉकेज तो नहीं है, तो यहाँ से जब अगर ब्लॉकेज नहीं होगा तो यहाँ से अगर काटेंगे तो प्रेशर निकलेगा। लाइव दिखा रहा हूँ, ये देखिए आवाज आ रही है, तो ब्लॉकेज नहीं है, यानी हमारा जो है यहाँ से लेके और ये लाइन तक पूरा क्लियर है, ठीक है, इससे ये समझ में आता है हमें। तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोगों को और ये जानकारी? क्या आप लोगों को पहले क्या पता था इस तरीके से भी टाँका लगाया जाता है? और कोई ज़रूरी नहीं है कि ये हर बारी जो है सक्सेस हो जाए, आप लोग कोशिश एक बार ज़रूर करें और 100% मतलब कि आप लोग ये ना रखें कि हो जाएगा ये सक्सेस। तो आप लोग कोशिश करते रहें कुछ नया करने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए, और जो मेरा चैनल है इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिया करें। जो मेरा काम है एसी, फ्रिज, कोल्ड रूम, डीप फ्रिज, आप इस तरीके से अगर काम सीखना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और समय, जब तक के लिए ओके बाय।